तो हाय गाइस, नमस्ते। मैं आनंदी, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हेल्थ बेबी केयर में। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं आप सभी लोगों को हल्दी वाले दूध के बारे में। आप सभी लोग तो हल्दी वाले दूध के फ़ायदे के बारे में जानते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियाँ दूर होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी वाला दूध किन लोगों को नहीं पीना चाहिए और किन बीमारियों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आज हम इसी बारे में सारे डिटेल में जानकारी आज वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, थोड़ा से भी मिस मत करिएगा। अगर मिस कर देंगे तो फिर फ़ायदा आपको नहीं होगा, नुकसान आप ही का होगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग हल्दी वाले दूध को जुखाम, खांसी, सर्दी, बुखार, कमजोरी, दुबलेपन या गले में इन्फेक्शन हो, सीने में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, जिनकी भूख की कमी है या फिर जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की परेशानी है, ऐसे में बहुत लोग हल्दी वाले दूध का सेवन करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे बीमारियां हैं, कुछ ऐसे लोगों को हल्दी वाले दूध का सेवन बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फ़ायदे की जगह आपको इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। गाइस, जिनको लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो लीवर से जुड़ी बीमारी वाले व्यक्ति को कभी भी हल्दी वाले दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका कारण ये है कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुड़ पाया जाता है जो कि इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, इसको पीते हैं तो गर्म इसकी तासीर होती है, साथ ही अगर आप इसे पियेंगे तो आपके लीवर में इसे इस रोग को बढ़ाने के लिए बहुत उत्साहित करेगा। इसलिए हल्दी वाले दूध का लीवर वाले रोगी को कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों के शरीर में क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है और उनके जो शरीर के तापमान है वो हमेशा गर्म रहता है। तो जिनके शरीर के तापमान हमेशा गर्म रहता है उन लोगों को भी हल्दी वाला दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अब हल्दी भी गर्म होता है और गर्म दूध में हल्दी डालकर अगर पी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि आपके शरीर में एलर्जी भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है और आपके शरीर में चित्ती चित्ता जैसे दाने भी निकल सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आगे चल के हो सकता है। तो अब मैं तीसरा पॉइंट बता देती हूँ। तीसरा है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पहली माह से लेकर पाँचवें माह तक उनको कभी भी हल्दी वाले दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और गाइस, जो आखिरी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आखिरी पॉइंट ये है कि जिनको बार बार शरीर में इन्फेक्शन होता है या फिर खुजली होती है या फिर दाद होता है, तो ऐसे लोगों को भी हल्दी वाला दूध कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आप हल्दी वाला दूध का सेवन करते हैं तो आपके इन्फेक्शन, एलर्जी, जो संक्रमण है वो भी तेज़ी से और फैल जाएगा। और तो गाइस, अगर आज के छोटे सा सजेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ किसी अलग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।